हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो जो कि है मशीन लर्निंग के ऊपर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो मशीन लर्निंग के अंदर अंदर जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, जो कि मैंने लास्ट बार भी आपको बताया था कि मशीन लर्निंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, मशीन लर्निंग के टाइप्स हम देखेंगे। तो मशीन लर्निंग का सबसे पहला जो टाइप है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, ओके। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर मैं उसके बारे में आपको पहले तो बताऊंगा, फिर बाद में मैं उसके डेफिनेशन वाले पार्ट को, एक एक चीज को मैं अच्छे से बताऊंगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज लर्निंग फॉर अ मशीन। सो मशीन के लिए लर्निंग क्या है? सो मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ और आप उससे समझिएगा। यहाँ पर एल्गोरिदम, ठीक है, और यहाँ पर आपका लॉजिक। आप इधर से इनपुट दे रहे हो, यहाँ से इनपुट दिया, इधर से आपको क्या मिला? लॉजिक मिला, ठीक है, आपको लॉजिक मिला विद द हेल्प ऑफ एल्गो। फिर आपने इधर से इनपुट दिया और आपको आउटपुट में आउटपुट मिल गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका ट्रेनिंग और ये हो गया आपका टेस्टिंग, ओके। सो यहाँ पर देखिए, इधर से अपनों ने इनपुट दिया एल्गोरिथम के साथ में, आपको एक लॉजिक मिल गया कि भाई साहब ये लॉजिक है। मैं बता रहा हूँ कि लर्निंग क्या होती है असल में। तो लर्निंग, हम कोई भी चीज़ की लर्न करते हैं तो लॉजिक के आधार पे ही तो करते हैं। मैंने आपको बोला कि यार दो और दो चार होते हैं, ठीक है। सो ये आपकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, तो आपको एक लॉजिक मिल रहा है ना कि हाँ ये इतना होता है, ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है। फिर उस लॉजिक को लेकर जो भी आपका लॉजिक मिला है उसके ऊपर आपने इनपुट दिया, टेस्टिंग कर रहे हो आप कि क्या वो सही लॉजिक है या नहीं है। फिर आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला, ठीक है। सो अ मशीन इज सेट टू बी लर्निंग फॉर फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा फीड इन विद रेस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क। इफ इट्स परफॉर्मेंस इन अ गिवन टास्क इम्प्रूव्स विद द एक्सपीरियंस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन, कोई भी मशीन है वो लर्न कर रही है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या फिर कोई भी हम डेटा उसको फीड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? टू सम क्लास ऑफ टास्क के रेस्पेक्ट में। अगर उसकी परफॉर्मेंस है उस गिवन टास्क के लिए इम्प्रूव कर रही है एक्सपीरियंस के साथ में, यार कोई भी इंसान कब सीखता है? जब उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है तभी तो हम कहते हैं कि हाँ भाई लर्न कर रहा है बंदा, धीरे धीरे लर्न कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ के साथ में उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट कि एक मशीन है, उसको प्रिडिक्ट करना है कि एक कस्टमर कुछ बाय करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए कि एंटीवायरस दिस ईयर और नॉट, वो एक उसको मतलब बाय करेगा या नहीं करेगा। तो प्रीवियस नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस जो है, डेटा ऑफ द प्रोडक्ट दैट द कस्टमर हैड बॉट एवरी ईयर, एंड इफ ही बाइज एंटीवायरस दिस ईयर देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर इज गोइंग टू बाय एन एंटीवायरस दिस ईयर एज वेल। तो मतलब कह रहा है कि अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो कस्टमर का है, अगर वो हर साल एंटीवायरस खरीदता है तो उसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि यार वो इस साल भी वो एंटीवायरस को खरीदेगा। तो भैया एक लॉजिक अपनों ने बिल्ड किया कि यार वो हर साल ये खरीदता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस साल खरीदेगा? अगर वो हर साल खरीदता है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 9% से ऊपर की, 0.9% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है, 0.9% प्रोबेबिलिटी की यार वो खरीदेगा, या फिर 90% प्रोबेबिलिटी की वो खरीदेगा इस बार भी, कि ये हाई प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है कि भाई साहब वो खरीद रहा है तो अभी भी खरीदेगा। सो दिस इज हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स एट द बेसिक कंसेप्चुअल लेवल। मतलब ये बेसिक कंसेप्चुअल लेवल है जहाँ पर ये किस तरीके से काम करता है, मैं बता रहा हूँ आपको। टाइप ऑफ लर्निंग में मैं आपको बता दूँ, सुपरवाइज लर्निंग है अपने पास में, अनसुपरवाइज लर्निंग है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग है। तो सबसे पहले तो चूंकि हम सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं तो सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखेंगे कि इट इज when the model is getting trained on the label data। ये तब है जब मॉडल आपका ट्रेन कर रहा है लेबल डेटा सेट के आधार पे। अ लेबल डेटा सेट इज वन दैट हैज बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। लेबल डेटा डेटा सेट वो है जिसके पास में इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर्स है, ठीक है, मतलब कि इसके पास में इनपुट भी है और आउटपुट पैरामीटर दोनों आप दे रहे हो। आप दे रहे हो कि भाई
ये देखो इनपुट में डॉग है और इसका नाम है डॉग, तो आपने इनपुट पैरामीटर भी दिया अलोंग विद इस लेबल की इस फोटो का नाम डॉग है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इन दिस केस, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेट्स आर लेबल्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया यूजर आईडी, ठीक है, फिर आपका जेंडर है, फिर उसकी एज है, फिर उसकी सैलरी है, और तीसरा कॉलम है जो उसमें परचेज्ड है, परचेज्ड है, तो परचेज्ड यस और नो से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यूजर आईडी मान लीजिए 01, जेंडर मेल, एज 24, सैलरी है उसकी 20K, और परचेज उसने कोई पर्टिकुलर आइटम किया परचेज यस। सो ये आउटपुट है और ये सारा इनपुट है। सो जब हम इनपुट के साथ में आउटपुट देते हैं तो उस तरीके की जो डेटा सेट हम प्रोवाइड करते हैं, ये काम होता है लेबल्ड डेटा सेट का, इसको हम कहते हैं लेबल्ड डेटा सेट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ कि टेम्परेचर हो गया, विंड मिल आपने घुमाई है, वहां पर टेम्परेचर वाला पॉइंट हो गया, फिर बाद में आपका प्रेशर वाला पॉइंट हो गया कि भाई साहब प्रेशर कितना है विंड मिल के ऊपर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ की क्लाइमेट की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी, और फिर बाद में विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन कौन सी है, और एट लास्ट बट नॉट लिस्ट विंड स्पीड, विंड की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द विंड। ओके सो ये आपके इनपुट पैरामीटर्स हो गए, है ना। तो इन सारी चीजों से क्या डिटरमाइन हो रहा है, विंड की स्पीड, कि स्पीड ऑफ द विंड क्या होगी, ठीक है। सो ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये भी एक एग्जाम्पल है लेबल्ड डेटा सेट का, ये विंड मिल के लिए है और ये कोई भी दुकान के लिए, कि कोई दुकान पे ये ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं उसकी सैलरी क्या है, या फिर कोई भी चीज के लिए मान लीजिए कि यार कोई घर खरीद रहा है या कुछ भी खरीद रहा है उसके लिए किस आधार के ऊपर हम डेटा सेट बना, तो वो भी एक लेबल डेटा सेट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैं तीन चीजें आपको बता देता हूँ, इनपुट यहाँ पर क्या है, जेंडर है, एज है और सैलरी है, आउटपुट क्या है कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा, 0 मतलब परचेज करेगा, 1 मतलब परचेज नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है वो परचेज नहीं। फिर बाद में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसका इनपुट क्या है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, आउटपुट में क्या मिल रहा है, विंड स्पीड, ठीक है। सो ट्रेनिंग द सिस्टम वाइल ट्रेनिंग द मॉडल डेटा इज यूजुअली स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 80-20, जब हम ट्रेन कर रहे हैं डेटा को तो जो तुम्हारा मॉडल है या फिर डेटा है वो 80-20 रेशियोज में डिवाइड होता है, 80-20 रेशियो, यार ये है ना 80-20 रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, आप इसको याद रखिए। सो 80% एज द ट्रेनिंग डेटा एंड द रेस्ट एज टेस्टिंग डेटा। सो 80% जो डेटा है वो तो ट्रेनिंग डेटा के लिए चला गया, डेटा को ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। सो 80% डेटा इज फॉर ट्रेनिंग डेटा और 20% डेटा इज फॉर टेस्टिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, ठीक है। सो इन ट्रेनिंग डेटा वी फीड इनपुट एज वेल एज आउटपुट फॉर 80% ऑफ डेटा। ट्रेनिंग डेटा में क्या करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट दोनों ही देते हैं, ठीक है। सो 80% वाले में इनपुट और आउटपुट दोनों देंगे, वहीं इसमें सिर्फ हम जब हम वो दे रहे हैं टेस्टिंग वाले में तो इसमें सिर्फ इनपुट देंगे। द मॉडल लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा ओनली, ठीक है। वी यूज डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट सम वीडियोस टू बिल्ड आवर मॉडल। लर्निंग मीन्स दैट द मॉडल विल बिल्ड सम लॉजिक ऑफ इट्स ओन। लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, कि जो मॉडल है आपका कुछ लॉजिक निकाल के लेके आ रहा है, हमने इनपुट में डेटा दिया अलॉन्ग विद इट्स आउटपुट और उससे उसने एक लॉजिक बिल्ड किया कि अच्छा ये इसके साथ में क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये है कुछ टीममेट है, टीम 1 एक ए है, बी है और सी है, ठीक है, और यहाँ पर दो लोग हैं आपके पास में, ये मान लीजिए रोडिस का वो चल रहा है कि रोडिस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा रणविजय सिंह और यहाँ पर हो गया प्रिंस रण और यहाँ पर हो गया प्रिंस। ओके सो पहले वाले ने बोला कि यार मैं तो जाऊंगा रणविजय के साथ में, बी वाले ने भी बोला रणविजय के साथ में जाऊंगा, तो हमने क्या लॉजिक लगाया कि भाई रणविजय इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, दैट्स वाई एवरीबडी इज प्रेफरिंग
रण विजय। बट ये जो बंदा है सी वाला है, ये कह रहा है कि नहीं यार, मेरे को मेरा टीम लीडर स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, और उसके साथ साथ में दिमाग भी चाहिए, और एक पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स माइंड के साथ में सोच सके वैसा चाहिए। तो वो कहेगा कि नहीं यार, मेरे को तो प्रिंस है। तो हमने एक लॉजिक बनाया कि किस आधार के ऊपर कोई बंदा चूज कर रहा है। तो अब डी वाला आएगा तो कैसी मेंटेलिटी रखता है उसी के आधार पे वो चूज करेगा। हम वो एक मेंटेलिटी कैसी रखता है, वो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ में जाना चाहता है या फिर वो उसके साथ में जाना चाहता है जो कि अलग अलग चीजों के अंदर भी और भी अच्छे से काम कर सके। तो ये हम एक लॉजिक बिल्ड करते हैं इस आधार पे, और लॉजिक बिल्ड करके फिर बाद में जैसे नया इनपुट देते हैं टेस्टिंग के लिए, हमने अब प्रेडिक्ट कर लिया कि यार ये बंदा चूंकि ये सोचता है कि यार मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ जाना चाहिए तो ये रणविजय के साथ में जाएगा, लेकिन नहीं, इसने तो प्रिंस का साथ ले लिया। तो भाई यहाँ पर अपने लॉजिक को फिर से सही करना पड़ेगा अपनों को कि नहीं यार, हर बार यही लॉजिक नहीं चलेगा, और भी हो सकता है, और भी कोई चीज लॉजिक कोई अपना सकता है। तो इस तरीके से ठीक है, वंस द मॉडल इज रेडी देन इट इज गुड टू बी टेस्टेड। जैसे ही मैंने कहा ना कि लॉजिक आपका तैयार हो गया, तो अब इस लॉजिक के ऊपर टेस्ट करके देखो यार, पहले से अपनी प्रिडिक्शन बना लो। मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि एरन के साथ जाएगा, लेकिन ये तो प्रिंस के साथ चला गया। तो इसी तरीके से फिर बाद में वो टेस्ट हमें करने की जरूरत है, नए जो डेटा के लिए टेस्टिंग करने की जरूरत है। ठीक है, द इनपुट इज फीड फ्रॉम रिमेनिंग 20% ऑफ डेटा दैट द मॉडल हैज नेवर सीन बिफोर। द मॉडल विल प्रिडिक्ट सम वैल्यू एंड विल कंपेयर इट विद द एक्चुअल आउटपुट एंड कैलकुलेट द एक्यूरेसी। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने कहा, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने कहा रन ही सही है, और ये भी रन के साथ में ही गया, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मेरा तो 100% करेक्ट है। अगर फर्स्ट केस में फिर ई आया, ई भी जो मैंने प्रेडिक्ट किया लॉजिक के अनुसार वो उधर ही जा रहा है, तो अगेन वो 100% रहेगा। तीसरे वाले में वो गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा, दो में से तीन सही थे तो इसकी हम निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा समथिंग, ना आ जाएगा सिक्स समथिंग, सिक्स और फिर से 266 समथिंग, 3680, सो 66 समथिंग हो जाएगा फिर बाद में एकदम। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। सो इफ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सो इन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग वी हैव टू टाइप्स, वन इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड अनदर इज रिग्रेशन। ओके, क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज डिफाइंड लेबल। सॉरी, हियर लेबल इज डिफाइंड, डिफाइंड लेबल्स एंड हियर नो लेबल इज डिफाइंड, नो लेबल्स डिफाइंड। ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सो सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट इज वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड्स सच एज फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड मोर। इट इज अ फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग इन विच द एल्गोरिदम इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा टू मेक प्रिडिक्शंस और मशीन डिसीजन बेस्ड ऑन दी डेटा इनपुट। सो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम है वो लर्न करती है मैपिंग बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। वो एक मैपिंग को लर्न करती है कि यार मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करूँ, तो वो ये है 4, 5, 6, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है, फिर 3 आपका मान लीजिए कि 9 से कनेक्टेड है, ठीक है, और 4 16 से कनेक्टेड है। तो आपने एक लॉजिक बनाया कि यार एक्स और वाई, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक रिलेशन है, ये एक मैपिंग है, ये मैप कर रहा है, इस तरीके से मैप कर रहा है। तो ये हमें पकड़ना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर कि वो मैपिंग क्या है असल में। सो विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सो हमारे पास में पेयर है इनपुट और आउटपुट के, ये एक पेयर हो गया, फिर दूसरा पेयर हो गया ये, तीसरा पेयर हो गया ये। यहाँ पर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट दोनों का एक पेयर है।
सो एल्गोरिदम ट्राइज टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डेटा सो दैट इट कैन मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस ऑन न्यू अनसीन डेटा। सो यहाँ पर वो अनसीन डेटा के ऊपर, अगर अब मैं लेके आऊँ आपके पास 5, तो आप आसानी से बता दोगे यार 25 है, क्योंकि ये डेटा तो इसने देखा भी नहीं, लेकिन पिछले डेटा से जो इसने लर्न किया है, सीखा है, उसके आधार पे बोल रहा है कि भाई यार 5 से 25 ही आ सकता है और क्या ही आएगा। सो इस तरीके से वो सीखता है। द लेबल्ड डेटा सेट यूज इन मशीन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ इनपुट फीचर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लेबल्स। असल में तो यही होता है, ठीक है। सो द इनपुट फीचर्स आर द एट्रीब्यूट्स और क्लास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा दैट आर यूज टू मेक प्रिडिक्शंस। जो इनपुट फीचर्स हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा के, और उन्हीं को हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। वाइल द आउटपुट लेबल्स आर द डिजायर्ड आउटकम्स और टारगेट्स दैट द एल्गोरिदम ट्राइज टू प्रिडिक्ट। ऑब्वियसली सो सुपरवाइज लर्निंग इज टिपिकली डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज, वन इज रिग्रेशन एंड अनदर वन इज क्लासिफिकेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेशन। द इन रिग्रेशन द एल्गोरिदम लर्न्स टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू सच एज द प्राइस ऑफ हाउस और द टेम्परेचर ऑफ सिटी। इन क्लासिफिकेशन द एल्गोरिदम लर्न्स टू प्रिडिक्ट अ कैटेगोरिकल आउटपुट वेरिएबल और क्लास लेबल सच एज वेदर कस्टमर इज लाइकली टू परचेज अ प्रोडक्ट और नॉट, whether this is dog or cat. So these are classes actually. This is further divided into classes. Okay. So one of the primary advantages of supervised learning is that it allows for the creation of complex models that can make accurate prediction on new data. Okay. So ये एक primary advantage है इसका कि यार ये allow करता है कि हम complex model बनाएं और जो कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन करेगा न्यू डेटा के ऊपर। ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है इसका, क्योंकि लेबल डेटा है, जो भी सीखता है अच्छे सीखेगा यार पीछे वाले डेटा से। तो जो आगे आने वाले डेटा से, तो वो टेस्टिंग जब होगी तो आपको एक्यूरेसी मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। हाउएवर जो सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, लेबल डेटा, ट्रेनिंग डेटा टू बी इफेक्टिव, यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आगे 5 के बाद में पूरी कहानी बदल जाए और वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लग जाए, तो इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना बहुत आवश्यक है यहाँ पर, ठीक है। एडिशनली द क्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग डेटा कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। सो दिस वी नीड टू कीप ऑन आवर माइंड कि इफ आवर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ ट्रेनिंग डेटा इफ इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देन एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल विल ड्रेस्टिकली इम्प्रूव। सो वी नीड टू कीप सच पॉइंट्स इन आवर माइंड। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। आई थिंक सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सो वेरी फर्स्ट वील टॉक अबाउट रिग्रेशन। आई ऑल्सो टॉट यू लीनियर रिग्रेशन इन मैथमेटिक्स, बट हेयर दिस इज दी कोर एंड बेस पॉइंट ऑफ दिस रिग्रेशन। इन रिग्रेशन द टारगेट वैल्यू वेरिएबल इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू। जो टारगेट आपकी वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट वेरिएबल भी, आउटपुट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, कंटिन्यूअस वैल्यू हो गया। कंटिन्यूअस वैल्यू बोले तो हाउस प्रेडिक्शन के अंदर, जैसे कि एक हाउस की जो प्राइस हो सकती है वो 2.5 लाख भी हो सकती है, 3.66 लाख भी हो सकती है। तो दिस इज कंटिन्यूअस वैल्यू, राइट। सो बट इन दिस इट विल बी डिस्क्रीट, इन क्लासिफिकेशन द वैल्यू विल बी डिस्क्रीट। ओके सो लीनियर रिग्रेशन, पॉलीनोमियल रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री, ट्रीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिदम। सो देर आर थ्री, मतलब देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बट दीज आर द बेसिक। सो फर्स्ट इज लीनियर, देन वी हैव पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल कंसिस्ट एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक इट हैज क्वाड्रेटिक एंड एनी थिंग वॉट एवर वी इज सीकिंग फॉर। एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिसीजन ट्री। सो डिसीजन ट्री इज ऑल्सो कम अंडर द रिग्रेशन ओनली। सो दिस इज इट। देर आर टू टाइप ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम वी हैव।
ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन, इन क्लासिफिकेशन टारगेट वेरिएबल्स इज अ कैटेगोरिकल वैल्यू. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो जो टारगेट वेरिएबल है, या फिर हम उसको आउटपुट भी बोल रहे हैं, टारगेट वेरिएबल, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, आउटपुट भी हो गया. तो ये क्या है, एक आपका एक तरीके से डिस्क्रीट वैल्यू है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको कि एक भाई कैटेगोरिकल वैल्यू भी है. कैटेगोरिकल वैल्यू जैसे कि 0, 1, 2, तो मैंने इसको मैप कर दिया कि 0 रेफर टू पुअर और 8 रेफर टू गुड, दिस रेफर टू बेस्ट. सो लाइक दिस वी कैन डू सो. ओके, एंड द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेडिक्ट द क्लास एंड कैटेगरी ऑफ द टारगेट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल्स. सम एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स इंक्लूड लॉजिस्टिक हो गया, यार लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है ये, एक्चुअली इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोलते हैं. ये होता तो रिग्रेशन है, लेकिन एग्जाम्पल है इसका, ये जो क्लासिफिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है. ठीक है, देन अगेन डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री हमारा इसी के अंदर आता है. ठीक है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सपोर्ट, सपोर्ट फैक्टर मशीन. ओके, सॉरी गाइस, एक और है इसके अंदर, न्यूरल नेटवर्क भी, न्यूरल नेटवर्क भी इसी के अंदर आता है यार. सो ये आपके चार हो गए, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क भी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है गाइस, याद रखिएगा. जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको. डिसीजन ट्री हो गया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो याद रखिएगा चोरों. ओके, सो लेट्स, सुपरवाइज लर्निंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू सेवरल डिफरेंट टाइप्स, ईच विद इट्स ऑन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स एंड अप्लीकेशन. हेयर आर सम ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, एंड दिस इज एल्गोरिदम्स यूज इन सुपरवाइज लर्निंग. सो दिस इज नथिंग लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रेंडम फॉरेस्ट. ओके, सो लाइक दैट, लेट्स टॉक, सिंपली वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन. लीनियर रिग्रेशन वी हैव स्टडीड सो फार. सो अगेन आई एम टेलिंग, लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिदम. सो दिस इज अगेन द टाइप ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिदम, एंड दैट इज यूज टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू. सो अगर हमें कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यू उसको प्रिडिक्ट करना है तो इसकी यूज करते हैं. तो हम एक्चुअली ये रिग्रेशन के अंडर में आता है, एंड इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम इन सुपरवाइज लर्निंग. इन लीनियर रिग्रेशन द एल्गोरिदम ट्राइज टू फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर एंड द आउटपुट फीचर. द आउटपुट वैल्यू इज प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द वेटेड सम ऑफ इनपुट फीचर. तो जो वेटेड सम है इनपुट फीचर का, उसके आधार पे ही हम आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, फिर अपना हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम. ये रिग्रेशन से है लेकिन आता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के अंडर में है. तो दैट इज यूज टू प्रिडिक्ट अ बाइनरी आउटपुट वेरिएबल लाइक 0 एंड 1. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी, सो यस और नो इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, हील यस और नो, और गुड और बैड, इट्स लाइक दैट. सो बाइनरी आउटपुट वेरिएबल इट इज कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग एप्लीकेशन वेयर द आउटपुट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, सच एज फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग. इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन द एल्गोरिदम ट्राइज टू फाइंड अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट वेरिएबल. द आउटपुट वेरिएबल इज देन ट्रांसफर्ड यूजिंग अ लॉजिस्टिक फंक्शन टू प्रोड्यूस अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. सो ये चीज दिमाग में रखने की जरूरत है कि लास्ट में क्या होता है. लीनियर रिलेशनशिप से तो आपको पता चल जाएगा कि आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन आउटपुट वेरिएबल जो आएगा, वैल्यू आएगी, वो फिर ट्रांसफर करेंगे हम लॉजिस्टिक फंक्शन की मदद से. ये बता देता हूँ, लॉजिस्टिक फंक्शन से हम फर्दर उसको ट्रांसफर करेंगे, लॉजिस्टिक फंक्शन की मदद से हम उसको फर्दर ट्रांसफर करेंगे. और क्यों, टू प्रोड्यूस अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू. प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए किसके और किसके बिटवीन, बिटवीन 0 एंड 1.
So I hope you got this point. If you have any doubt regarding this, you do comment. Then we'll talk about decision tree. देखिए यार, आप घबराइए मत, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं वापस इसके बारे में कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बनेगी गाइज इन सब के ऊपर, ठीक है? तो घबराओ मत, लिनियर रिग्रेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी हो तो वहां जाकर देख लीजिए। और ये बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, बारह है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम दैट इज यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क दोनों के लिए ये यूज होता है यार। आप दोनों में ये कॉमन देखोगे कि यार डिसीजन ट्री तो मैंने आपको उसके में भी बोला था और इसके अंदर भी बोला था, दोनों के अंदर ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूज होता है मॉडल डिसीजन के लिए और देयर पॉसिबल कंसिक्वेंसेस के लिए। ईच इंटरनल नोड इन दी ट्री रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन। जो भी इंटरनल नोड है वो एक डिसीजन को इंटरप्रेट करता है, उसको बताता है कि भाई देखो यार ये एक डिसीजन है। वेल ईच लीफ, जो लीफ है, देखो मैं एक ट्री बना के दिखा देता हूँ यार आपको, ठीक है? ये ट्री हो गया, तो ये इसकी लीफ हो गई, ये इसके इंटरनल नोड हो गए, ठीक है? सो ये डिपिक्ट कर रहे हैं किसको? ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि भाई साहब ये तो है डिसीजंस, और ये दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे क्या है, ये है तुम्हारी लीफ जो हो गई, वो होगी पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज पॉसिबल आउटकम। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यार, ठीक है? सो ये हो गया। सो डिसीजन ट्रीज कैन बी यूज टू मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड आउटपुट फीचर्स, आउटपुट वेरिएबल। जो इनपुट फीचर्स है और आउटपुट वेरिएबल्स है, उन दोनों के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको मैप करने के लिए, मॉडल करने के लिए हम डिसीजन ट्री की मदद लेते हैं। रैंडम फॉरेस्ट, ये देखो यार बहुत ही अच्छी है। रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिदम है वो असेंबल करती है लर्निंग टेक्निक्स को, जो कि यूज होती है अगेन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क दोनों के अंदर। दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज दैट वर्क टुगेदर टू मेक प्रिडिक्शन। यार फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट तो ट्री का एक वो होता है ना यार, ट्री से बना होता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि यार ये जो है वो मल्टीपल डिसीजन ट्री से बना है और सब एक साथ काम कर रहे हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। हर एक जो ट्री है फॉरेस्ट के अंदर वो ट्रेंड है डिफरेंट सबसेट के ऊपर, जो इनपुट फीचर्स है और डेटा है उसके ऊपर वो ट्रेंड है। हर एक जो ट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेंड है, फीचर्स के ऊपर और डेटा के ऊपर ट्रेंड है। जो फाइनल प्रिडिक्शन है जो कि वो बनाता है, वो बनाता है बाय एग्रीगेटिंग दी प्रिडिक्शंस ऑफ ऑल द ट्रीज इन दी फॉरेस्ट। जितने भी प्रिडिक्शन आ रहे हैं उन सबको मिलाकर जो बना है, एक फाइनल आया है, उसके आधार पे वो क्रिएट करता है फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रिडिक्शन, ठीक है? तो ये हो गया आपका रैंडम फॉरेस्ट। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है? सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।